हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अन अकेडमी जेई चैनल लेट्स क्रैक जेई। बहुत बहुत स्वागत है बच्चों आपका अपने चैनल लेट्स क्रैक जेई पर। मेरा नाम है वरुण चौहान, आई एम अ फिजिक्स टीचर। पिछले कई सालों से कोटा में फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, अब अन अकेडमी पर आपको घर बैठे डायरेक्ट फ्रॉम कोटा एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ। जो टॉपिक अपन कर रहे हैं वो है रिलेटिव मोशन, और आज जो अपन इसके बारे में बात करने वाले हैं दैट इज द रिवर बोट प्रॉब्लम। ठीक है, आज हम रिवर बोट प्रॉब्लम के बारे में डिस्कशन करेंगे। ये एक्चुअली पार्ट 6 है, लास्ट पार्ट है जिसमें अपन रिलेटिव के बारे में बातें कर रहे हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बार अनअकैडमी के बारे में बता दूं। अनअकैडमी इज द इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। इंडिया के कोटा के टीचर्स हम लोग जुड़ चुके हैं बच्चे अनअकैडमी के साथ, आप लोगों को घर बैठे डायरेक्ट फ्रॉम कोटा एजुकेशन प्रोवाइड करा रहे हैं। ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, आप इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करें और अपनी तैयारी अनअकैडमी के साथ करें। जो आपको कोटा में एक्चुअली बहुत कॉस्टली पड़ती है तैयारी, वो बहुत ही नॉमिनल चार्जेस पे, बहुत ही कम चार्जेस पे आपको अनअकैडमी पर सेम पढ़ाई अवेलेबल है। तो क्या क्या आपको अनअकैडमी मिलता है बच्चे, यहाँ पे देखिए डेली लाइव क्लासेस आपको मिलती हैं जिसमें आप चैट के थ्रू टीचर के साथ कनेक्ट रह सकते हैं, डिस्कशंस में पार्ट ले सकते हैं, डाउट्स पूछ सकते हैं बच्चे, क्वेश्चन आंसर्स भी पोल्स के थ्रू होते हैं, जिससे एक लीडर बोर्ड प्रिपेयर होता है। इस लीडर बोर्ड में पता पड़ता है किस बच्चे ने कितनी देर में सही आंसर दिया है। ठीक है, स्ट्रक्चर्ड कोर्स होता है यहाँ पे डेट वाइज प्लानिंग के साथ, कब क्या पढ़ाया जाएगा सब पहले से ही फिक्स रहता है। लाइव टेस्ट, लाइव क्विजेस होते हैं, अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है आपको। अगर आपने एक बार VC10 कोड यूज किया तो अनअकैडमी पर अवेलेबल सारे टीचर्स उनकी लाइव रिकॉर्डिंग क्लासेस सारी देख सकते हैं आप बच्चे, सब कुछ ही एक्सेस कर सकते हैं, सारे क्विज एक्सेस कर सकते हैं। तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, आप अनअकैडमी पर VC10 कोड के थ्रू सब्सक्रिप्शन लीजिए। तो सबसे पहले आपको अनअकैडमी की लर्निंग ऐप डाउनलोड करनी है, उसमें अपना गोल IIT JEE चूज करना है। देन वहां पे आप देख सकते हैं स्पेशल क्लासेस। स्पेशल क्लासेस आर फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस, जो कि जस्ट लाइक अ डेमो क्लास है आपके लिए। आप सर्च करेंगे वरुण चौहान, या आप यहाँ पे भी जा सकते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप देखेंगे तो वहां पे मेरा अनअकैडमी का लिंक है बच्चे, वहां पे जाके आप स्पेशल क्लासेस देख सकते हैं, जो कि आपके लिए एक तरीके से डेमो क्लास है, जिससे आपको पता पड़ेगा कि कितना इंटरेक्टिव अनअकैडमी प्लेटफॉर्म है। जब आप एक बार डेमो क्लास देख लेंगे और आपको सारे सब्जेक्ट फुल सिलेबस एक्सेस करने होंगे, तो इस तरह का फी स्ट्रक्चर आपके सामने आएगा बच्चे। नीचे होगा एक रेफरल बॉक्स जहां पे आपको VC10 लिख के अप्लाई करना है, आप देखेंगे ऊपर लिखी हुई फीस डिस्काउंटेड हो जाएगी और मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट आपको मिलेगा VC10 कोड के थ्रू। आप मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं टेलीग्राम पर वरुण फिजिक्स सर्च करके, या फिर व्हाट्सएप पर 7017432037 नंबर पे। मैं आपको एक बार फीस कंपेयर कराता हूं बच्चे, पर मंथ की जो फीस है वो है 5400 रुपीज, बट आपको अलग से एक महीने के लिए सब्सक्रिप्शन नहीं लेना। आप महीने दर महीने सब्सक्रिप्शन लेने के बजाय आप एक साल का सब्सक्रिप्शन लीजिए बच्चे, जो आपको पड़ेगा 2250 रुपए महीने के हिसाब से, और आपको पैसे भी महीने के हिसाब से ही देने हैं क्योंकि नो कॉस्ट EMI का ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। अगर आप 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो सिर्फ 1350 रुपए पर मंथ के हिसाब से पड़ेगा। महीने दर महीने पैसे देंगे तो बहुत ज्यादा पैसे आपको देने पड़ेंगे, और एक महीने में किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं हो पाती, इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा अगर आप 12th क्लास में हैं या ड्रॉपर हैं तो आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन लीजिए, और अगर आप 11th क्लास में हैं तो 2 साल का सब्सक्रिप्शन लीजिए बच्चे, यही आपके लिए बेनिफिशियल है। ठीक है, यहाँ पे आपको देखो कोटा स्टडी मटेरियल मिलेगा, प्रॉपर पर्सनल गाइडेंस, प्रॉपर डिस्कशन एंड डाउट शेड्यूल मिलेगा आपको। अगर ये सारी VC10 की थ्रू आपने सब्सक्रिप्शन लिया है तभी मैं आपको बेनिफिट दे पाऊंगा 1 साल और 2 साल के लिए सब्सक्राइब करने वालों को। स्पेशल टेस्ट सीरीज मिलेगी बच्चे, जिसकी कॉस्ट है 10,000 रुपीज, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी अगर VC10 यूज किया है। नॉर्मल कोई कोड यूज किया है तो आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। कोटा स्टडी मटेरियल की कॉस्ट भी बच्चे 10,000 के अप्रोक्सीमेटली होती है, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा अगर आपने VC10 कोड के थ्रू सब्सक्रिप्शन लिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, जो कि है रिवर बोट प्रॉब्लम। इसे स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक टॉपिक पढ़ाना चाहता हूं जिसको मैं बोल रहा हूं नेट मोशन। ये नेट मोशन क्या होता है इसके बारे में अपन बात करते हैं। देखिए बच्चे, अब तक हम रिलेटिव की बात कर रहे थे, उसी की इक्वेशन को थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से देखेंगे।
वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी को वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी बोला जाता है। ये पढ़ चुके हैं अपन। अब इसमें अपन क्या बात कर रहे हैं, जैसे कि मान लो कोई पार्टिकल है ए, इसकी आपको वेलोसिटी पता है विद रेस्पेक्ट टू एनी अदर पार्टिकल बी जो खुद वी बी से जा रहा था। आपको वेलोसिटी ऑफ ए पता है विद रेस्पेक्ट टू बी और वी बी पता है, तो वेलोसिटी ऑफ ए क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ ए होगा किसी के रेस्पेक्ट में अगर आपको पता है प्लस जिसके रेस्पेक्ट में पता है उसकी वेलोसिटी। दिस इज नोन एज द नेट मोशन इक्वेशन। ठीक है, जैसे कि आप इस तरीके से मानिए प्लेटफॉर्म है और ये प्लेटफॉर्म चल रहा है मान लो 10 मीटर पर सेकेंड, और इस पर एक आदमी है जो वेलोसिटी, ये प्लेटफॉर्म है पी, ये आदमी है मैन, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म है लेट से मान लो 5 मीटर पर सेकेंड, तो वेलोसिटी ऑफ मैन कितनी है? बच्चे देखो प्लेटफॉर्म के रेस्पेक्ट में 5 से भाग रहा है और प्लेटफॉर्म खुद 10 से चल रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म प्लस वेलोसिटी ऑफ प्लेटफॉर्म कर दूंगा तो डायरेक्शन सेम होने की वजह से 15 मीटर पर सेकेंड आ गया। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन ऑफ मैकेनिक्स, नेट मोशन इक्वेशन बोल रहे हैं, जो एक्चुअली रोलिंग में जाके रोटेशन चैप्टर के अंदर आपको बहुत हेल्पफुल होगी, क्योंकि वहां पे सारी कॉम्प्लेक्स मोशन अपन किसी ना किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के रेस्पेक्ट में देखते हैं फिर उसको अप्लाई करते हैं पूरे बॉडी के ऊपर। ठीक है, वो आगे पढ़ेंगे, सेंटर ऑफ मास पॉइंट होता है वो जिसके रेस्पेक्ट में अपन यूजुअली बातें कर रहे हो। ठीक है, तो ये नेट मोशन की इक्वेशन को बच्चे लिख लीजिए, इस कॉन्सेप्ट को समझाऊंगा मैं अभी क्या क्या बेनिफिट्स हैं आपके पास इस इक्वेशन के साथ, इसको नोट डाउन करेंगे, लिखेंगे बच्चे इसको। सॉरी, दिस इज नॉट द इक्वेशन ऑफ नेट मोशन, नेट मोशन की इक्वेशन यहाँ पे है, जो मैं आपको ब्लू स्टार दे रहा हूं दैट इज द इक्वेशन ऑफ नेट मोशन, दिस इज द रिलेटिव नॉर्मल इक्वेशन, ये नेट मोशन की इक्वेशन है। सर सेम ही तो इक्वेशन है, ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि ये नेट मोशन हो गया या कुछ एक्स्ट्रा हो गया? एक्चुअली बच्चे एक ए पार्टिकल है जिसका मोशन या जिसका वेलोसिटी आपको पता ही नहीं है, बट किसी दूसरे पार्टिकल के रेस्पेक्ट में आपको उसका मोशन पता है और उस पार्टिकल का पता है, तो आप दोनों ऐड कर दोगे तो आपके पास ए का आ जाएगा। क्लियर है? नोट करिए बच्चे इसको, लॉजिकली नोट करेंगे एक एक चीज। नोट किया बच्चे? अब इसका क्या बेनिफिट है रिवर बोट प्रॉब्लम्स में, इसको देखते हैं। एक्चुअली यूजुअली आपको वेलोसिटी ऑफ बोट विद रेस्पेक्ट टू रिवर दिया जाएगा। ये क्या चीज है? दिस इज वेलोसिटी ऑफ बोट विद रेस्पेक्ट टू रिवर। एक ही बात है, विद रेस्पेक्ट टू रिवर बोले, विद रेस्पेक्ट टू मूविंग रिवर बोले, विद रेस्पेक्ट टू स्टेशनरी रिवर बोले, ऐसा मूविंग रिवर जैसी ऐसी कोई चीज आपको नहीं मिलेगी, बट आपको एक वर्ड मिल सकता है लिखा हुआ, उसको लिखता हूं मैं, विद रेस्पेक्ट टू स्टिल वाटर। ठीक है, तो ये सारे बात एक ही है बच्चे, आप बस ये समझिए, वेलोसिटी ऑफ बोट या वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू रिवर आपको पता होती है, दैट्स ऑल। ठीक है, अब मान लो अगर मैं आपसे बोलूं कि इधर है वेलोसिटी ऑफ रिवर, ठीक है, अगर कोई बोट इस तरफ ही स्विम, सॉरी इस तरफ ही फ्लो कर रही है विद वीबीआर, वीबीआर क्या है? वेलोसिटी ऑफ बोट विद रेस्पेक्ट टू रिवर, तो वेलोसिटी ऑफ बोट कितनी हो जाएगी?
ये हो जाएगी बी बी आर प्लस वी आर, क्योंकि सेम डायरेक्शन में नॉर्मली ऐड कर दिया मैंने, मैग्नीट्यूड आ गया ये डायरेक्टली। ठीक है, अगर मैं बोलता कि इस डायरेक्शन को तो किस तरीके से बोलता, डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम मतलब रिवर की डायरेक्शन में जाना, अप स्ट्रीम का मतलब क्या होता है और वहां पे वेलोसिटी कैसे लिखेंगे अपन। मान लो बोट ऐसे जाने की कोशिश कर रही है, अब जा रही है नहीं जा रही है वो बात इसकी वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है, बट जो वेलोसिटी ऑफ बोट होगी उसके अगर मैग्नीट्यूड के बारे में बात करें तो वो होगी वी बी आर माइनस वी आर। ठीक है, दोनों अपोजिट है। अब अगर वी आर ज्यादा है तो नेट रिवर की डायरेक्शन में होगी, बट ये जो मूव कर रहा है इसको बोलेंगे अपस्ट्रीम डायरेक्शन। वेलोसिटी ऑफ बोट जो है विद रेस्पेक्ट टू रिवर वो अपस्ट्रीम की डायरेक्शन में, ठीक है ना, मतलब विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड बात करें तो अपस्ट्रीम डायरेक्शन में मूव कर रही है। ये बात क्लियर है, लिख लेंगे इस बात को भी। अब आगे बढ़ते हैं, अब एक चीज समझेंगे, हमारे पास एक्चुअल में यही गिवन होता है, सिर्फ वेलोसिटी ऑफ बोट विद रेस्पेक्ट टू रिवर हमें पता होता है। तो एक्चुअली अगर रिवर फ्लो कर रही है वी आर स्पीड से ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, तो बोट वाले के हाथ में यह है वेलोसिटी ऑफ बोट विद रेस्पेक्ट टू रिवर। ग्राउंड के रेस्पेक्ट में उसकी वेलोसिटी क्या होनी है वो वेक्टर सम और नेट मोशन की इक्वेशन बताएगी, वो आदमी के हाथ में नहीं होता है, बोट चलाने वाले के हाथ में या स्विम करने वाले के हाथ में वो चीज नहीं होती। ठीक है, वो डिपेंड करती है नेट मोशन की इक्वेशन। अब मान लो अगर वेलोसिटी ऑफ बोट उसने इस तरीके से कर ली बिल्कुल ही परपेंडिकुलर, तो वेलोसिटी ऑफ बोट क्या होगी, नेट मोशन की इक्वेशन से बोल सकते हैं वेलोसिटी ऑफ बोट विद रेस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर। तो ये है ऊपर की तरफ वेक्टर, इसको अगर मैंने वी आर ये ऐड कर दिए दोनों वेक्टर, तो वेक्टर सम की वजह से हमें पता पड़ेगा कि इसका जो नेट मोशन होगा ये किस तरफ चलती हुई जाएगी बच्चे, इनके रिजल्टेंट की तरफ, ये इस तरफ जा रही हो ग्राउंड के रेस्पेक्ट। रिवर के रेस्पेक्ट में ये ऐसे ही जा रही है, रिवर के रेस्पेक्ट में रिवर तो कहीं जा ही नहीं रही, तो रिवर के रेस्पेक्ट में वो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ रिवर जा रही है। अगर मैं बोलूं कि इसकी हाइट है डी, सॉरी विड्थ ऑफ द रिवर इज डी, ठीक है, देन टाइम इन क्रॉसिंग द रिवर विल ड्यू टू द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द रिवर, अगर रिवर को क्रॉस करने के डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है उसी पे डिपेंड करेगा टाइम, तो टाइम हो जाएगा यहां पर डी वी बी आर। ठीक है, अगर सिचुएशन मेरे पास ऐसा होता कि रिवर इधर बह रही है और ये बोट जो है ये आदमी ने इस तरफ चला रखी है, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रेस्पेक्ट टू रिवर इस तरफ है, तो नेट मोशन की मदद से अपन देखेंगे रिलेटिव कहीं यहां पे आएगा। और लेट से मानो दिस कंप्लीट एंगल इज थीटा, देन क्रॉस करने में जो टाइम लगने वाला है टाइम दैट इज डी अपॉन वी बी आर साइन थीटा। क्यों? क्योंकि एक्चुअली जो इस तरफ कंपोनेंट होगा डी डायरेक्शन में या फिर परपेंडिकुलर टू द रिवर डायरेक्शन में वही कंपोनेंट रिवर क्रॉस करने में हेल्प कर रहा है, तो मेरे को वो कंपोनेंट ऑब्वियसली निकालना पड़ेगा तभी मैं इसके बारे में बात कर। तो लिख लीजिए पूरा कॉन्सेप्ट टाइम का। अब यहां पर मैं मिनिमम टाइम के लिए बात करने वाला हूं, सबसे पहले यहां तक नोट कर लीजिए।
लिख लिया बच्चे। अब देखें, मैं अगर आपसे क्वेश्चन पूछूं कि कम से कम टाइम में रिवर क्रॉस करनी है, तो आप क्या इस बात को किस तरीके से वेलोसिटी को समझ पाएंगे कि क्या डायरेक्शन होनी चाहिए वेलोसिटी? बताइए बच्चे, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि एक्चुअली आदमी के हाथ में या बोट वाले चलाने के हाथ में वेलोसिटी ऑफ बोट विद रेस्पेक्ट टू रिवर है। अब रिवर तो इधर फ्लो कर रही है और ये बोट को रिवर को क्रॉस करना है, डी विड्थ की रिवर है, ठीक है। तो कौन सा कंपोनेंट वेलोसिटी का हेल्प करेगा बताइए? वेलोसिटी ऑफ बोट is equals to velocity of boat with respect to river plus velocity of river by the equation of net motion। मैं ऐसा बात कर पा रहा हूँ। क्या river की velocity का कोई भी component उसके perpendicular आ सकता है क्या? मतलब ही नहीं, perpendicular कोई भी component river का नहीं आएगा। तो अगर मैं perpendicular वाले component को maximize करना चाहता हूँ, तो ये वाला जो component है, मैं पूरा का पूरा अगर ऐसे रख लूँ, क्योंकि अगर तुमने किसी और एंगल पे अगर तुमने इस VBR को किया, तो फिर वेलोसिटी फॉरवर्ड डायरेक्शन में कम हो जाएगी। तो टाइम क्रॉस करने का मिनिमम जो पॉसिबल है, दैट इज डी अपॉन वीवीआर। इतना ही मिनिमम टाइम पॉसिबल है, इस बात को समझिए बच्चे, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ रिवर कोई भी कंट्रीब्यूशन अपने परपेंडिकुलर नहीं दे सकती। नोट डाउन करेंगे इस बात को भी। लेट्स से इस पॉइंट को नाम दिया मैंने ए। अगर मैं बोलूं कि इस ए पॉइंट के सामने जो ग्राउंड का पॉइंट है, दैट इज बी, क्या बोट क्रॉस करते वक्त मिनिमम टाइम में अगर क्रॉस कर रही है, दैट मींस वेलोसिटी पूरी की पूरी जो वो रख सकती है, वो अपनी परपेंडिकुलर रख रही है विद रिवर वेलोसिटी, तो क्या वो बी पॉइंट पे लैंड करेगी या कहीं और जाके लैंड करेगी? इस बारे में अपन क्वेश्चन कर रहे हैं। बताए क्या वो बी पॉइंट पे पहुंचेगी, कहीं और पहुंचेगी? कहीं और पहुंचेगी, क्यों? क्योंकि वीबीआर ने इसको क्रॉस कराया, बट वीआर जो है वो वेलोसिटी आगे भी तो ले जा रहा होगा, तो ये जहां रिजल्टेंट वेलोसिटी है उसकी तरफ मूव कर रहा होगा, कहीं पॉइंट सी पे पहुंचेगा। फिर सी और बी, एक्चुअली सामने वाला पॉइंट बी था, पहुंचना बी पर था, बट पहुंचा सी पर है। इस डिस्टेंस ट्रेवल्ड ये किसकी वजह से हुआ है? ये फ्लो हुआ है रिवर की वेलोसिटी की वजह से। इसको नाम दिया जाता है बच्चे ड्रिफ्ट। ये ड्रिफ्ट कितना होगा इस केस में पर्टिकुलर में बात करें, तो ड्रिफ्ट होगा बच्चे वी आर इंटू टी इस पर्टिकुलर केस। क्या ड्रिफ्ट बढ़ाया जा सकता है, क्या कम किया जा सकता है? बिल्कुल, ड्रिफ्ट बढ़ाने के लिए क्या करें? ड्रिफ्ट बढ़ाने के लिए टाइम को बढ़ाया जा सकता है। टाइम कैसे बढ़ाया जा सकता है? अगर मैं वीबीआर आगे ना लेके इस तरफ कोई कंपोनेंट ले लूं, रिवर की डायरेक्शन की तरफ कंपोनेंट, तो देखो परपेंडिकुलर कंपोनेंट कम हो जाएगा जो क्रॉस करा रहा होगा, और आगे की तरफ जिसको ड्रिफ्ट कराना है वो वाला कंपोनेंट इंक्रीज हो जाएगा। मतलब कैसे, इसको अगर शो करूं डायग्राम में, ध्यान से समझेंगे बच्चे। अगर मैंने इस तरफ ले लिया कुछ VBR और वेलोसिटी VR इस तरफ, तो क्योंकि ये कंपोनेंट
टाइम हो जाएगा यहाँ पे डी अपॉन वी वी आर साइन थीटा, और ड्रिफ्ट की वैल्यू हो जाएगी वी आर प्लस वी वी आर कॉस थीटा। आगे की तरफ ये वेलोसिटी है इंटू टी, तुम देख रहे हो आगे वाली वेलोसिटी भी इंक्रीज हो गई और टाइम भी इंक्रीज हो गया, तो ड्रिफ्ट ऑब्वियसली इंक्रीज हो गया होगा। क्यों? क्योंकि इनका रिजल्टेंट कहीं यहां पे होगा और वो अब और आगे जाके इस बी पॉइंट से लैंड करेगा। ये चीज समझ में आनी चाहिए सभी बच्चों। क्या ड्रिफ्ट कम किया जा सकता है? हाँ, ड्रिफ्ट कम भी किया जा सकता है। ड्रिफ्ट कम करने के लिए क्या करेंगे? वेलोसिटी समवॉट इधर रखेंगे, जिससे कि आगे वाला कंपोनेंट जो कि ड्रिफ्ट करा रहा था रिवर वाला, उसको थोड़ा सा नलीफाई किया जाए, उसको थोड़ा सा कम किया जाए, डिक्रीज किया जाए। अब ये किस पर्टिकुलर एंगल पे मैं रखूं जिससे मेरा फायदा हो, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो केस बनाते हैं एक फॉर जीरो ड्रिफ्ट। फॉर जीरो ड्रिफ्ट बात कर रहे हैं, मतलब पार्टिकल या फिर बोट अगर ए से चली है तो सामने वाले पॉइंट बी पर ही पहुंचे, क्योंकि विड्थ है हमारे पास डी और वी आर है वेलोसिटी ऑफ रिवर। ठीक, तो मैं वेलोसिटी ऑफ बोट बोलूंगा कि वो ए बी के अलोंग होनी चाहिए, इसी तरफ होनी चाहिए वेलोसिटी ऑफ बोट। बट वेलोसिटी ऑफ बोट नेट मोशन की मदद से अपन बोलेंगे रेस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर। तो अगर इधर चाहिए वेलोसिटी ऑफ रिवर किस तरफ है मेरे पास? क्या येलो आपको दिखेगा? हाँ दिख रहा है, ये वेलोसिटी ऑफ रिवर है। इसमें अगर मैं वेलोसिटी ऑफ बोट विद रेस्पेक्ट टू रिवर इस तरीके ऐसे ऐड कराऊं कि इन दोनों का नेट ऊपर की तरफ मिले मेरे, तो वो बिल्कुल ड्रिफ्ट जीरो कर लेगा। अब ऐसा कब होगा? ऐसा तब होगा जब वी आर तो आगे ले जाना चाह रहा है बट वी बी आर का एक कंपोनेंट वी आर को बैलेंस कर ले। वी बी आर का एक कंपोनेंट कौन सा? साइन थीटा वाला वी आर को बैलेंस कर। अगर इसका एक कंपोनेंट को बैलेंस करना है तो ऑब्वियसली मैं ये तो मेरे को बोलना पड़ेगा कि वी बी आर should be greater than VR, मतलब रिवर की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कम होना चाहिए बोट की वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू रिवर में, तभी उसका एक कंपोनेंट उसको बैलेंस कर पाएगा, अन्यथा साइन वन से बड़ा हो जाएगा जो कि पॉसिबल ही नहीं है। इस पर्टिकुलर कंडीशन पर इस एंगल पर आपको मिलेगा जीरो ड्रिफ्ट। इसमें टाइम कितना लगेगा? इसमें टाइम लगेगा बच्चे d अपॉन वी बी आर कॉस थीटा। इक्वेशन वन और इक्वेशन टू, जीरो ड्रिफ्ट में कुछ भी पूछा जाए अपन सॉल्व कर सकते हैं। नेट वेलोसिटी कितनी होगी? वी बी आर कॉस थीटा। क्लियर है क्या? अगर ये स्टार कंडीशन फुलफिल नहीं हुई देन क्या होगा? क्या कभी जीरो ड्रिफ्ट नहीं हो पाएगी? तो बच्चे बिल्कुल सही बात है, जीरो ड्रिफ्ट नहीं हो पाएगी। तो उस केस में क्या होगा अभी समझते हैं। सबसे पहले इसका एग्जांपल करते हैं। एक एग्जांपल देखेंगे। ठीक है, ऐसे ले लेते हैं। वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड रिवर की है वीआर, और वेलोसिटी ऑफ बोट विद रेस्पेक्ट टू रिवर है 5 मीटर पर सेकेंड। लेट्स से डिस्टेंस है 100 मीटर। फाइंड ए पार्ट मिनिमम टाइम टू क्रॉस द रिवर, B, find time to cross river with zero drift.
ये दो क्वेश्चन मैंने आपके लिए फ्रेम किए हैं, इसको आप ट्राई करें, देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। आप लोग ट्राई करेंगे सबसे पहले। इसमें कभी भी किसी को भी डाउट हो आप मेरे को टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं बच्चे, वरुण फिजिक्स सर्च करके। ये वीडियो मैंने प्रीमियर कराई है, लाइव नहीं हुई है, फिर भी आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। सॉल्व किया बच्चे, सभी ने सॉल्व किया। जिसको अभी भी टाइम लग रहा है वो पॉज कर लो बच्चे स्क्रीन को, फिर आप ट्राई कर लेंगे। ठीक है, मैं सॉल्व कर रहा हूं इसे। ओके बच्चे, देखेंगे देखेंगे। अगर मैं बात कर रहा हूं मिनिमम टाइम के लिए, तो मैंने आपको बताया है वेलोसिटी जो आप चेंज कर सकते हो वो आप पूरी की पूरी परपेंडिकुलर रख लो, तो टाइम मिनिमम हो जाएगा 100/5, दैट इज 20 सेकेंड। ए पार्ट सॉल्व हो गया। बी पार्ट के लिए बात करेंगे तो 5 वेलोसिटी कुछ ना कुछ इस एंगल थीटा पे रखनी पड़ेगी, सच दैट वो 4 को बैलेंस करे उसका कंपोनेंट। तो 5 साइन थीटा शुड बी इक्वल टू 4, तो साइन थीटा आ गया बच्चे 4/5। दैट मींस थीटा आ गया बच्चे 53 डिग्री। तो ऊपर की तरफ जो वेलोसिटी हो जाएगी वो जाएगी 5 cos 53 डिग्री, दैट मींस 3/5, दैट मींस 3 मीटर पर सेकंड। तो अब टाइम लगेगा बी पार्ट में 100/3। दिस इज द आंसर, क्लियर है। अब हम एक एग्जांपल की तरफ जाते हैं जहां पे मैं अगर आपसे बोलूं कि वी बी आर का मैग्नीट्यूड लेस है वी आर से, तब क्या करेंगे? तब क्या ड्रिफ्ट जीरो हो सकती है? नहीं। क्या मिनिमम हो सकती है ड्रिफ्ट? हाँ। और मिनिमम के लिए कैसे करेंगे? केस देखिए, वी आर इस तरफ है, मैं कुछ ना कुछ वेलोसिटी इस तरफ रख लूंगा, वी आर इस तरफ रख लूंगा किसी पर्टिकुलर एंगल थीटा पे। इस समय क्या होगा? ड्रिफ्ट जीरो नॉट पॉसिबल, ड्रिफ्ट कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो ही है। ठीक है, तो यहां पे देखेंगे टाइम कितना लगेगा इसे। क्यों क्यों ड्रिफ्ट जीरो नहीं हो सकती? क्योंकि मैंने आपको ये कंडीशन दे रखी है। क्या वी बी आर का कोई कंपोनेंट वी आर को बैलेंस कर सकता है? नहीं कर सकता, वो पूरा का पूरा खुद नहीं कर सकता, तो कंपोनेंट कैसे करेगा बैलेंस? ठीक है ना, ओके। तो टाइम लगेगा डी अपॉन वी बी आर कॉस थीटा, और ड्रिफ्ट कितनी हो जाएगी इस केस में? ड्रिफ्ट हो जाएगी, वेलोसिटी आगे की तरफ कितनी है? वी आर माइनस वी बी आर साइन थीटा, क्योंकि वी आर बड़ा है तो नेट मोशन रिवर की डायरेक्शन में ही रहने वाला है, इनटू टाइम टी। तो ड्रिफ्ट की वैल्यू आगे बच्चे वी आर माइनस वी बी आर साइन थीटा इंटू डी बाई VBR cos थीटा। ठीक है, अब किस पर्टिकुलर थीटा पर ड्रिफ्ट जीरो होगी, इसके लिए अपन निकाल सकते हैं, इसको डिफरेंशिएट कर, ड्रिफ्ट को थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके जीरो के बराबर कर दो बच्चे। वहां से आपको पर्टिकुलर थीटा मिल जाएगा जहां पर ये जीरो होनी है, डिफरेंशिएशन जहां पे जीरो होना है। फिर
जो थीटा आ जाए उस थीटा को आप ड्रिफ्ट में पुट कर दीजिए और ड्रिफ्ट मिनिमम आ जाएगा। यहां से थीटा मिलेगा, इस इक्वेशन से क्या मिलेगा, वी गेट थीटा, पुट थीटा इन ड्रिफ्ट इक्वेशन, यू विल फाइंड द मिनिमम पॉसिबल ड्रिफ्ट। क्लियर है, लिख लिया सबने। एस सी वर्मा के लास्ट के क्वेश्चन है बच्चे, लास्ट के दो क्वेश्चन है शायद 56, 57 ऐसे ही करके कुछ क्वेश्चन है, वो देख लीजिएगा आप। लास्ट के दो क्वेश्चन है, वो रिवर बोर्ड के बहुत अच्छे एग्जांपल्स हैं, वहां से आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। वहां पे ये वाला केस भी दे रखा है, वो दोनों केस दे रखे हैं जिसमें आपको सिचुएशन समझ में आ जाए। ठीक है, तो अभी की क्लास में यही एंड कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास में अपन प्रैक्टिस करेंगे किसमें, जी क्वेस्ट चैनल पे अपन इसकी प्रैक्टिस करेंगे, वहां पे बहुत सारे क्वेश्चंस चेक करेंगे बच्चे क्या आंसर आएगा। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। मैं आपको बता दूं, आपको वीसी सर टाइप करना है टेलीग्राम पर, मेरा चैनल ज्वाइन कर पाएंगे जहां पे आपको मेटेरियल दूंगा मैं। वरुण फिजिक्स सर्च करके आप मैसेज कर सकते हैं मेरे को टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप पर 7017432037 नंबर पर, और VC10 कोड आप यूज करिए बच्चे, दिस इज द मोस्ट पावरफुल कोड ऑफ अनअकैडमी। आप किसी भी कोर्स के लिए आप अपने भाई फ्रेंड किसी को भी सब्सक्राइब के लिए बता सकते हैं, मैं आपको कंप्लीटली हेल्प करूंगा विद पर्सनल गाइडेंस। ठीक है, ओके, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।